Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll start a new poem from the book Hornbill. So student, you are having two books, one is Snapshot and the other is Hornbill. So this is a poem from Hornbill, that is a photograph. Okay, the title of the poem is A Photograph, and which is written by Shirley Towson. Okay, now in this poem, Shirley Towson, she has actually the remembrance with a very sad tone, and she actually emphasizes that how the time forces on the lives of human and other objects, है ना, यानी कि जो time है उसका बहुत ज़्यादा important role play करता है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे human की lives जो है उसके अंदर time सबसे ज़्यादा important play करता है, because it has unstoppable characteristics, यानी कि वो कभी भी नहीं रुकता है, उसका feature क्या है कि वो कभी नहीं रुकता है, whether whatever happens in your life, चाहे कैसा भी कोई incidents आ जाए, लेकिन time कभी नहीं रुकेगा, ठीक है? So we can say that our life is also like, man's life is just like a bubble. Man takes birth, then he grows, and then just what happens, very soon disappear from this mortal world. Okay, ये जो मतलब दुनिया है इससे वो चला जाता है. So this is the process of our life, कि हमें born होना है, फिर हम grow करते हैं और फिर हम disappear हो जाते हैं इस दुनिया में से, यानी death हो जाती है. तो ये जो एक bitter truth है हमारी life का, उसे हमें accept करना चाहिए. तो यहाँ पर इस पोयम में हम देखते हैं कि जो पोइटिस है वो एक्चुअली यहाँ पर एक ऐसे गर्ल की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है, और वो उनकी जो फोटोग्राफ है वो देखकर अब काफ़ी खुश है, क्योंकि उस फोटोग्राफ में उनके मदर खुश हैं और उनसे उसकी काफ़ी जो फीलिंग्स हैं, जो ड्रीम सॉरी जो मेमोरीज हैं वो रिकलेक्ट कर रही हैं, कि किस तरह से उनकी मदर इस फोटोग्राफ को देखकर उन्हें बताती थी कि इस फोटोग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं, और किस तरह से वो उस समय उस फोटोग्राफ में इतनी खुश लग रही हैं. तो उस समय भी जब उनकी मदर उन्हें इस फोटोग्राफ के बारे में बताती थी वो काफ़ी खुश नज़र आती थी, ठीक है. लेकिन आज इतने सालों बाद जब अब उनकी मदर नहीं रही हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो आज वापस से जब ये फोटोग्राफ उनको मिली है पोइटिस को, तो वो ये देखकर वो लड़की बड़ी मतलब ना उसे बड़ा पेन हो रहा है सेपरेशन का. शी इज़ फीलिंग फ्रॉम शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पैंग्स ऑफ सेपरेशन ऑल्सो, एंड एक्चुअली शी इज़ फीलिंग ये वो जो चीज़ें थी जो उनकी मदर उन्हें बताया करती थी इस फोटोग्राफ के बारे में, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी जो चीज़ें वो मेमोराइज कर रही है, ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि इस पोयम में ये बताया गया है कि लाइफ का जो ट्रुथ है उसे शो किया गया है, कि वॉट एवर एक्चुअली यू डू, या जैसा भी टाइम होगा, ठीक है, आप जैसा भी करते हो, जैसा भी टाइम आपके साथ में आता है, वो सारा हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं, और धीरे धीरे सारे जो पेन्स होते हैं ना हमारी लाइफ के वो भी ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी अबाउट द पोयम. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling, each one holding one of my mother's hand. So cardboard, यहाँ cardboard किसको कहा गया है? यहाँ cardboard मतलब है कि photograph, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, photographs के पीछे एक आप देखते थे ना कि cardboard होता था, उसके अंदर उसके ऊपर photograph paste कर दी जाती थी, है ना. तो वो cardboard क्या है, वो क्या show कर रहा है, एक तो पुरानी चीज़ों को शो कर रहा है ना, जो एंशियंट लाइफ है उसको शो कर रहा है, उसकी जो मेमोरीज हैं उसको शो कर रहा है. और कार्डबोर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, कार्डबोर्ड का क्या मतलब है कि पिक्चर के बारे में वो बता रही है, कि इस पे जो फोटो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है पोइटिस, कि ये जो कार्डबोर्ड है, यानी कि ये जो स्नैप है, ये जो ये पिक जो है, ये पिक्चर जो है, वो शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स. और उस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि दो लड़कियां हैं, है ना. इसमें देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक जो 12 साल की एक लड़की है वो एक्चुअली पोइटिस की मदर सिंबलाइज करा हुआ है, और इनके साथ में दो और लड़कियां हैं, वो उनकी कज़न है, ये इनकी मदर है व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है. उनकी मदर की कब की फ़ोटो है, जब वो 12 साल की थी, और उनके साथ में इनकी दो कज़न है जो कि पैडलिंग मतलब होता है वॉकिंग, पानी के अंदर चलना, तो वो अंदर पानी के अंदर चल रही है, तब की क्लिक है ये, तब के पिक्चर है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने क्या कर रखा है, उनकी मम्मी का जो उनकी मदर है पोइटिस, उनका हैंड पकड़ रखा है.
एंड द बिग गर्ल, बिग गर्ल यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ी लड़की कौन है, यानी बिग गर्ल किसको इन्होंने कहा है, उनकी मदर को बोला है. सम 12 ईयर्स और सो, यानी उनकी एज, या कि उनकी मदर की एज उस समय क्या थी, लगभग कुछ 12 साल थी. ठीक है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड एट द अंकल विद द कैमरा. सो ऑल थ्री स्टूड, यानी तीनों, तीनों कौन है, एक उनकी मदर हो गई, दो उनकी कजन्स हो गई. ठीक है. दे स्टिल टू एड स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो एक्चुअली उनके जो हवा के कारण उनके हेयर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. ठीक है. और वो क्या कर रही हैं, तीनों लड़कियाँ वो स्माइल कर रही हैं एट द अंकल विद द कैमरा. और ये फोटो कौन क्लिक कर रहा है, उनके जो अंकल हैं उन्होंने ये फोटो क्लिक की हुई है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, तो उनकी मदर का बड़ा ही बहुत सुंदर सा फेस है, बहुत चार्मिंग सा फेस है. और ये तब की बात है जबकि जो पोएटस हैं उनका जन्म नहीं हुआ था. एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एंड द सी विच चेंज विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट. तो ट्रांसेंट मतलब क्या होता है, ट्रांसेंट मतलब होता है टेम्पररी, जो बिल्कुल अनपर्मानेंट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसेंट. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, इसका ये मतलब है कि उस समय, मतलब अभी के जो टाइम है और उस समय का जो टाइम है, वो क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया है. ठीक है. क्योंकि पहले जब ये पिक्चर जब वो देख रही है, जब ये स्नैप जब वो देख रही है पोएटिस, तब उस समय उनके कदमों के निशान, उनके जो फीट के जो साइंस थे ना, निशान जो हैं, वो एक्चुअली वहाँ पर बीच पे थे उस समय. ठीक है. और आज वो जो निशान है वो समुद्र के पानी ने हटा दिए हैं, वो वॉश हो चुके हैं. अब वॉश कैसे हो चुके हैं, एक तो समय बदल चुका है तो पानी की वजह से वॉश हो गए, दूसरी बात ये है कि डेथ एंड डीके, ठीक है, यानी कि उनके मदर की डेथ हो चुकी है, तो वो टाइम भी चेंज हो चुका है. ठीक है. तो वो यहाँ पर पोएटिस ये बताना चाहती हैं कि समुद्र अभी भी वैसा का वैसा है, लेकिन चेंज किसके लाइफ में हुआ, चेंज इस फोटो से आज तक की जो लाइफ है ना, जब से उनकी फ़ोटो खींची गई तब से, जब वो पोएटस उस फोटो को देख रही है तब से टाइम बहुत चेंज हो चुका है. तब जब उनकी मदर ये फ़ोटो खिंचा रही थी तब उनके फीट के निशान उस मिट्टी पे थे, और आज वो निशान जैसे पानी ने वॉश कर दिए हैं, वैसे ही टाइम ने उनकी उनकी मदर को छीन कर, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, और वो जो सारे निशान हैं वो भी क्या हो गए, बिल्कुल वॉश हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई. तो अब उसमें क्या मतलब कि उनके फीट के निशान या उनका पूरा जो अस्तित्व है ना, वो ही ख़त्म हो चुका है. तो वो पोएटिस यही बताना चाह रही हैं कि जो टाइम है ना, वो हमेशा अनस्टॉपेबल हमारे ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स करता है, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाता है, एक मेमोरीज छोड़ जाता है. बस टाइम तो हमेशा चलता रहेगा. और उनकी मदर जब वो जो स्नैप जब वो खींच रहे थे, जब वो टाइम वो इंजॉय कर रही थी अपनी कजन्स के साथ, जब वो बहुत खुश फील कर रही थी, और आज वही फ़ोटो देखकर उनकी जो बेटी है वो रो रही है, उसको पेन फील हो रहा है, उसकी मदर की याद आ रही है. तो मतलब टाइम चेंज हो चुका है लेकिन जो मेमोरीज़ हैं वो रह गई हैं, और उनको मेमोरीज़ को वो याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, ट्रांसेंट मतलब जो टेम्प्रेरी नहीं होता, सॉरी टेम्प्रेरी होता है. तो उस समय जब वो बीच पे चल रही है तो उनके फीट क्या हुए, ऑब्वियसली टेम्प्रेरी हुए, क्योंकि वो तो वॉश आउट हो चुके हैं सी वाटर से. ओके. देन वी सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20-30 साल पहले की कोई बात है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. तो जब वो स्नैपशॉट यानी क्या है, फोटोग्राफ. तो जब कुछ एक 20-30 साल पहले की बात है कि जब वो और उनकी मदर दोनों बैठ के जब इस फोटोग्राफ को देखा करते थे, तो उनकी मदर बड़ा हंसा करती थी इस फोटोग्राफ को देखकर. सी बैटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. तो उन्होंने वो हमेशा हंस के बोला करती थी कि इस दोनों, इनकी जो कज़न है उनका नाम क्या है, बैटी
और डॉली, उनके साथ दो कज़न है ना उनकी मदर के साथ, तो एक का नाम बैटी है एक का नाम डॉली है, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि देखो बैटी और डॉली ये कैसा ड्रेसअप कर रखा है इन्होंने बीच पर जाने के लिए। तो वो हमेशा इस फोटो को देख कर बड़ा खुश हुआ करती थी, और वो मतलब आज उसी फोटो को देख कर जो उनकी डॉटर है उसे बड़ी पेन हो रहा है, उसे बड़ी मतलब वो मेमोरीज याद आ रही हैं जिन मेमोरीज में हमेशा वो खुशियाँ देखती थी, आज उनकी मदर को वो मिस कर रही है। वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर, ठीक है। द सी वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर। तो ऑब्वियसली पास्ट इस लाइन का क्या मतलब है कि सी यानी कि जब उन्होंने वो फोटो वहाँ खिंचवाई, जब वो सी बीच पे गई थी, तो ये उनका पास्ट था, ठीक है। और आज उनकी जो हंसी है वो किसका पास्ट बन गई है, वो उनकी डॉटर का पास्ट बन गई है, क्योंकि जब वो दोनों बैठ के इस फोटो के बारे में डिस्कस कर करते थे और उनकी मदर इस फोटो को देखकर बड़ा खुश हुआ करती थी, अब वो पल उनके लिए पास्ट हो चुके हैं क्योंकि उनकी मदर नहीं रही हैं। तो मतलब उनकी जो हंसी है अब वो पास्ट हो चुकी है, वो उनको मेमोराइज कर रही हैं। बोथ वे विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। व्रे मतलब क्या होता है, इस आयरनिक और मॉकिंग, इसका मतलब होता है कि बहुत विडम्बना है। आयरनिक मतलब क्या होता है, बड़ी विडम्बना है, ठीक है। बोथ व्री विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों ही चीज़ें जिनको क्या हुआ, कितनी मेहनत लगी लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या हुई, गायब हो गई, कि उनके फीट जो थे सी से वो भी गायब हो गए, और उनकी जो मदर का जो हंसी थी, जो खुश होती थी वो स्नैप को देखकर, आज वो भी क्या हो चुकी, गायब हो चुकी है, सिर्फ उनकी मेमोरी में वो हंसी रह चुकी है। बाकी उनकी जो मदर की डेथ होने के साथ उनकी सारी हैप्पीनेस भी क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब यहाँ ये देखिए कि दो चीज़ है, लेबर्ड और ईज। लेबर क्या मतलब होता है, मेहनत करना, और ईज मतलब क्या होता है, बड़ा कंफर्ट होना। मेहनत करना और कंफर्ट होना दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, इजंट इट, लेकिन दोनों ही वर्ड एक ही लाइन में यूज़ हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दिस इज ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस, जब एक ही लाइन में दो अपोजिट मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। नाउ शी has been dead nearly as many years as that girl lived. तो आज जो उनकी लड़की है जितने साल की है उतने साल उनकी मदर को डेथ हुए हो चुके हैं, यानी करीबन कुछ 12-1 साल उनकी मदर को डेथ हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। तो इन सर्कमस्टेंसेस में ये जो कंडीशंस हैं उस समय उनकी जो डॉटर है वो कोई कुछ नहीं कहना चाहती हैं, इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस, वो सिर्फ साइलेंट रहना चाहती हैं क्योंकि सब कुछ साइलेंट हो चुका है। उनकी मदर की डेथ के बाद जो खुशी, जो वो स्नैप को देखकर दोनों हंसती थीं, तो उनकी जो मदर की मतलब मेमोरीज रह गई हैं सिर्फ, बाकी सब कुछ साइलेंस हो चुका है। डेथ किसको सिंबलाइज करती है, साइलेंस को सिंबलाइज करती है, तो मेनली इनकी जो मदर की डेथ है उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो चुका है। अब जो पोएटिस है वो किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्ट नहीं करना चाहती हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ क्या है, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू पेन ओनली, क्योंकि उनको हर एक चीज़ उनकी मदर की देखकर काफ़ी दुख होता है, और आज ये फोटोग्राफ देखकर भी उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनकी मदर की याद आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पोएटिक डिवाइस, जैसे मैंने बोला ऑक्सीमोरन, सो ऑक्सीमोरन लेबर्डीज में यूज़ हुआ है। एक होता है एपीथेट। एपिथेट क्या होता है, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग, यानी इसकी क्वालिटी बताता है, जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट है ना, यानी कि बहुत बुरी तरह से टेम्प्ररी रहना, ठीक है। टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का टेम्प्ररी रहना जो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ उसकी वो क्वालिटी बता रहा है कि वो ट्रांजिएंट कैसे टेम्प्ररी है, टेरिबली सा मतलब उसको जब वो नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो आज उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वो क्वालिटी बता रहा है इस वर्ड की, ट्रांसिएंट की, इसीलिए क्या है ये एपीथेट है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोयम में अगर हम देखते हैं तो शुरू से बहुत ज़्यादा अलिटरेशन यूज़ हुए हैं, जैसे आप यहाँ देखिए स्टूड स्टिल स्माइल SSS रिपीट हुआ, ठीक है। देन यहाँ देखिए टेरिबली ट्रांजिट टर्टर रिपीट हुआ। अच्छा, अलिटरेशन में आप हमेशा साउंड पे फोकस करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे लेटर की तरफ,
अगर लेटर तो कई बार रिपीट होते हैं, साउंड्स रिपीट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, है ना। देन सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं कोई एलिट्रेशन आपको मिलता है तो। यहाँ पर हमने देखा कि स्टूड स्टिल स्माइल, ये एस एस का रिपीट हो रहा है, टी टी का रिपीट हो रहा है, टी साउंड्स रिपीट हो रही हैं। देन इसमें देखिए 20, 30 टी टी साउंड फिर रिपीट हो रही हैं। देन यहाँ पर देखिए एस एस साउंड रिपीट हो रही है, सी शी से सी, है ना, एस एस साउंड रिपीट हो रही है। यहाँ पर ड्रेस्ड अस, इनमें सब में एस एस साउंड रिपीट हो रही है, तो ये अलिटरेशन है। देन हम देख सकते हैं कि और आप नहीं, और कहीं नहीं है, ठीक है। सो दिस इज साइलेंस, साइलेंस में हम देख सकते हैं, साइलेंस साइलेंस को आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोनंसिएशन के दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है। तो साइलेंस साइलेंस को आप रिपीटेशन में भी ले सकते हैं ऑब्वियसली। और बाकी जो है यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है, एपिथेट यूज़ हुआ है और अलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। एक बात मैं आपको से और डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंस होता है, एसोनेंस होता है, ठीक है। एसोनेंस में जो हम वॉइस या हम कह सकते हैं जो साउंड रिपीट होती है ना, वो हमेशा वॉवल्स की होती है, जैसे ए ई आई ओ यू, है ना, तो ओ की साउंड रिपीट होगी, ई की रिपीट होगी, है ना, तो ये वॉवल्स हैं, तो इसलिए एसोनेंस हो गया, ठीक है। आपको साउंड पे फोकस करना है, ज़्यादा लेटर्स की तरफ फोकस नहीं करना है, किस पे करना है, साउंड में। और कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि जो बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं ना, जैसे बी सी डी, तो ये सारे क्या कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनकी जो वॉइस बार बार रिपीट होगी वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगी, ठीक है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि अलिट्रेशन, जैसे आपने कोई भी लिखा, जैसे ना पी 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 रिपीट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप उसे एसोनेंस बोलो, कॉन्सोनेंस बोलो, आप अलिट्रेशन बोल सकते हो कि सेम साउंड रिपीट हो रही है, अलिट्रेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेटर पे हो रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम जब किसी कॉन्सोनेंस की बात करते हैं ना, तो उसे आप अलिट्रेशन, ज़रूरी नहीं है कि वो अलिट्रेशन ही हो, ठीक है। कॉन्सोनेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि कहीं पर भी उस शब्द में कहीं पर भी साउंड रिपीट हो जाती है, जैसे आप देखो शिंगल, जिंगल, मिंगल, ठीक है, ग ग की साउंड रिपीट हो रही है ना, तो ये कॉन्सोनेंस है, या भी कहीं बीच में भी साउंड रिपीट हो जाती है, लेकिन अलिटरेशन में हमेशा पहले ही साउंड रिपीट होती है, जैसे मी, माय, मदर, म म की साउंड रिपीट हो रही है ना, सो ये अलिटरेशन है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंस में अलिटरेशन में ये डिफरेंस होता है कि कॉन्सोनेंस में कहीं पर भी, जैसे शिंगल, मिंगल, जिंगल, इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है, एक जे से स्टार्ट हो रहा है, एक एम से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग इसकी साउंड्स नहीं मिलती है ना, लेकिन ग की साउंड जरूर मिल रही है जो बीच में है उसके, ठीक है, तो दैट इज कॉन्सोनेंस, ओके। तो अलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इसे ध्यान रखना। और बाकी अगर आप उसे अलिटरेशन कहते हैं, जैसे हम फर्स्ट अगर यूज़ करते हैं, आप एसोनेंस नहीं कहना चाहते, उसे अलिटरेशन कह सकते हैं, सो दैट डजेंट इफेक्ट। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द पोयम, दैट दिस पोयम इज अबाउट द पोएटस, जो अपनी, जिनकी मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और वो एक फ़ोटोग्राफ काफ़ी सालों बाद निकालती हैं, और जब उसे देखती हैं तो उनके मदर की याद आती है, और उस फोटोग्राफ में क्या है, उस फोटोग्राफ में उनकी मदर है, उनके साथ में दो कज़न्स हैं, बैटी और डॉली, जो बहुत स्माइल कर रही हैं, और लगभग उनकी जो एज है उनकी मदर की, वो उस समय 12 साल की है, और ये जो फ़ोटो कौन क्लिक कर रहा है, ये फ़ोटो उनके अंकल क्लिक कर रहे हैं, और उस समय उनके काफ़ी बाल उड़ रहे हैं, काफ़ी स्माइल करके वो काफ़ी खुश हैं। और जब पोएटस की मदर उनके साथ बैठ के इस फोटो को देखती थी, तो वो बड़ा खुश होती थी इस फोटो को देखकर, लेकिन आज जब इतने सालों बाद उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, मतलब 20-30 साल पहले वो बता रही हैं कि उनकी मदर के साथ वो बैठ के फ़ोटो देखा करती थी, तो आज जब उनकी मदर को मरे हुए इतने साल हो चुके हैं, तब मतलब करीबन 12 साल हो चुके हैं उनकी मदर को डेथ हुए, तो आज जब वो ये फोटोग्राफ फिर से उनकी निकली और वो देख रही हैं, तो उनकी मदर की मेमोरीज़ को याद करें कि किस तरह मेरी मम्मी स्माइल करती थी इस फोटोग्राफ को देखकर, और जो फोटोग्राफ में सी दिखा रखी है, बीच दिखा रखा है, जहाँ पर उनके मम्मी के फुटप्रिंट्स थे, उनकी कजन्स के फुटप्रिंट्स थे, आज वो फुटप्रिंट्स सी ने क्या करे, वॉश कर चुका है, वो पानी वॉश कर चुका है, वहीं पर जो डेथ है उसने उसकी मम्मी की जो भी जो वर्चस्व है जो उनका, वो उसको हटा चुका है, ठीक है, उनकी जो आइडेंटिटी है ना उनकी मदर की, वो भी हट चुकी है, बिकॉज़ उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो यही बता रही हैं कि
जो सी है वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन चेंज किस में हुआ है? चेंज उनकी यादों में हुआ है, चेंज उनके लाफ्टर में हुआ है। यानी कि पहले वो किस तरह खुश होती थी इस फोटोग्राफ को देखकर, और आज ये सारा कुछ पास्ट हो चुका है, ठीक है। और यही चीज़ जो है, बोथ वेरी विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका हम थोड़ा सा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका ये मतलब होता है कि चेंज और डेथ जो है वो इनइविटेबल होती है, यानी कि कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता उसे, ठीक है। तो चेंज और डेथ दोनों क्या होती हैं? इनइविटेबल होती हैं, यानी वो कभी भी हमेशा क्या होती हैं? परमानेंट होती है, मतलब होगा ही ऐसा काम। अगर आप जन्मे हो तो आप मरोगे ऑब्वियसली, ठीक है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी का जो बिटरनेस है उससे हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे डेथ बहुत बिटर होती है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। और जैसे जैसे टाइम निकलता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी जो मतलब प्रीशियसनेस होती है ना, वो ख़त्म होती जाती है। मतलब आज जैसा आपको दुख है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल भर बाद वैसा नहीं रहेगा। टाइम हर एक चीज़ को हील कर देता है, ठीक है, हर एक पेन को हील करता है। तो जैसा टाइम हमेशा चेंज होता रहता है वैसे ज़िंदगी में, तो वैसे वैसे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस भी चीज़ों की बदलती जाती है। आज उनकी जो मदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कोई और इंसान होगा जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स की और ह्यूमंस की जो लाइफ में, ह्यूमंस की जो हमारी रिप्लेसमेंट होती है लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है और वो होती भी है। जैसे कि आपने बॉल पोयम में भी पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप डिप्रेस नहीं होना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब ह्यूमंस हैं, इनको इस डेथ को, इस चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में, जिससे कि उनको कंपेल भी किया जाता है कि जो लॉस हो चुका है, उन्हें फोर्स किया जाता है कि आपकी लाइफ में जो लॉस हो चुका है उसे आप इजीली एक्सेप्ट करो, ठीक है। यानी कि आप इस चीज़ को अगर ले के बैठे रहोगे और लाइफ को स्टॉप कर दोगे, तो वो लाइफ तो स्टॉप होगी नहीं, टाइम तो चलता ही रहेगा। सो वो ये कहना चाह रही है इस लाइन में, बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि बहुत मेहनत लगेगी आपको कंफर्ट होने में, उस लॉस को भुलाने में, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी मॉकिंग, यानी कि एक तरह का ताना है, एक तरह की विडंबना है कि मतलब हमें हमारी लाइफ में कितना भी बड़ा लॉस हो, लेकिन ह्यूमन को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और उन चीज़ों को जो प्रीशियस थिंग्स हैं उनको भुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम, एंड आई विल सेंड यू द PDF फॉर द दीज फ्यू स्पेसिफिक लाइन्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स एंड द वर्ड मीनिंग्स एंड द थीम। सो राइट इट डाउन इन योर फियर नोटबुक एंड प्लीज सेंड मी ऑन योर ऑन माई पर्सनल नंबर, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।